नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 116 सीटों पर मतदान कल। अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, जया प्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गज मैदान में। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी वोटिंग कल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और राजस्थान में रैली। उदयपुर में कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ेंगे भी नहीं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कहा, कांग्रेस और एनसीपी राज्य में किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रैली। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन ने भरा नामांकन। मनोज तिवारी का नामांकन से पहले रोड शो। आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना ने भी नामांकन भरा। यूपी के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका की जनसभाएं। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी ने जताया खेद। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। निर्मला सीतारमण ने कहा, राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल। और कल हुए धमाके के बाद श्रीलंका में आज आधी रात से लागू होगा आपातकाल। अब तक 290 की मौत। मरने वालों में 7 भारतीय समेत 33 विदेशी नागरिक, 24 संदिग्ध गिरफ्तार। हमले में 7 आत्मघाती हमलावर थे शामिल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने की कड़ी निंदा। और आई खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार के कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है, जहां 18 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया था। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14-14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर के एक एक सीट पर मतदान होना है। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजर है, उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं। कांग्रेस के सीजे चावड़ा से उनकी टक्कर है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट की बात करें तो बीजेपी से जया प्रदा हैं और यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के आजम खान से है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं और पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी हैं। वहीं केरल की बात कर लेते हैं, यहाँ वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई के पीपी सुनीर और बीजेपी समर्थित भारत धर्म जनसेना के तुषार वेल्लापल्ली से है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी और ओडिशा के पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा मैदान में है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे और इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। और कल के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा मुकाबला है, किस तरह का माहौल है, ये समझने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ रजत कैन जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और साथ ही
गुजरात अहमदाबाद से रविंद्र शौरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रविंद्र आपके पास आना चाहेंगे, कई दिग्गज हैं इस बार चुनावी मैदान में, किस तरह का माहौल गुजरात में आप देख रहे हैं और खासतौर पे कल के मतदान के लिए किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की ओर से? जी देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे पुलिस का बंदोबस्त हो, 3-tier सुरक्षा व्यवस्था है, और चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो अपने अपने जगह पर पहुंच गई है। बड़ा अहम है ये चुनाव, और लेकिन इसके लिए पूरी कोशिश जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव में अपने अपने बातों को जनता के सामने पहुँचाने के लिए अग्रेसिवली कैंपेन किया है, उससे ज़्यादा तरीके से, उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव कैंपेन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं तक पहुँच बनाने के लिए किया गया है। हर तरीके की सुविधाएं उनको देने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। करीब 900 सखी मतदान केंद्र बने हैं जो कि ऑल वुमेन जो है मतदान केंद्र रहेंगे, जिनसे महिलाएं रहेंगी, और उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, यानी कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, और 182 PWD यानी कि जो दिव्यांग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको मैनेज करेंगे। इस तरीके के पोलिंग बूथ बने हैं ताकि हर किस्म के लोग जो है, हर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो है वो तमाम वोट करने के लिए आएँ। कई दिग्गज नेता जो है BJP के, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो खुद करीब 7:30 बजे के आसपास इसी इलाके से वोट डालेंगे। BJP अध्यक्ष अमित शाह भी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी समेत मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये तमाम दिग्गज वो हैं जो कल अपना मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर गुजरात की जनता के साथ करेंगे। और चुनाव आयोग ने स्वीप कैंपेन के माध्यम से दूर दराज के लोग, इलाके में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊं, जूनागढ़ का एक ऐसे इलाका है जहाँ पर जो जंगल में करीब 30-35 किलोमीटर दूर स्थित है, और वहाँ पर केवल एक मतदाता है, तो चुनाव आयोग ने उस एक मतदाता के लिए भी वहाँ पर एक पोलिंग बूथ बनाया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है रविंद्र, जिस तरह की तैयारी के बारे में आप बता रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। आप बने रहिए हमारे साथ। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, केरल में हैं आप और वायनाड की सबसे ज्यादा चर्चा है वहां पर, हम अगर बात करें मुकाबला किस तरह का है, क्योंकि CPI के भी कैंडिडेट है वहां पे और BJP से समर्थित तुषार वेलापल्ली भी हैं वहां से, किस तरह का वहां पर माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में कितना नजर आ रहा है और चुनाव की तैयारियां भी कैसी हैं? शुक्रिया अभिलाषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर केरल की 20 सीटों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिनकी नज़र है वो वायनाड की सीट पर है, क्योंकि साफ सी बात है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2009 में वो सीट लोकसभा के एरिया में आई थी और तब से जो है वो कांग्रेस स्ट्रॉन्गहोल्ड मानी जाती है। भूतपूर्व नेता कांग्रेस के MI शाहनवाज जो हैं वो 2 बार वहाँ से चुन के आए थे। इस बार जो है मुकाबला काफ़ी ज़्यादा नज़र है, त्रिकोणीय जो है पेपर्स के लिहाज से है, एक तरफ राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ जो है CPI समर्थक जो LDF है उससे जो है PP सुनेर हैं, बहुत ही कद्दावर कैंडिडेट माने जाते हैं वहाँ पे, और खासकर जो मलमपुरा एरिया है वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते हैं। तो एक तरह से जो लेफ्ट फ्रंट है उनको भी लोकल लीडर ना मिलकर उन्होंने भी जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इंपोर्ट किया है राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा जो कोण है वो है BJP और BDJS, जो कि वहाँ के BJP का एक लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई है, और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से BJP को अगर वोट की संख्या के मामले में कहा जाए तो उनको डेफिनेटली जो है फायदा हुआ था, लेकिन क्या वो संख्या इतनी है कि वो उनको एक लोकसभा की सीट जिता सके? देखिए, वायनाड का मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वो उसमें उनके बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, बात यह है कि कितनी मार्जिन से राहुल गांधी जीतते हैं। बिल्कुल, यही अहम सवाल है कि कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए, राह कितनी आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका, और रविंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात के समीकरण हमें बताने के लिए और चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, कल मतदान की तैयारियां कैसी हैं वो बताने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर सीट पर बिहार में कल चुनाव होना है। इसमें मधेपुरा हाई प्रोफाइल सीट है, पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। राज्यसभा TV ने यहां पर मतदान की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में बिहार की जिन 5 सीटों में 23 अप्रैल को मतदान होना है उनमें मधेपुरा सीट भी शामिल है।
यहां आरजेडी के टिकट पर शरद यादव, मौजूदा सांसद और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीट होने के चलते चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहां पुख्ता व्यवस्था की है। जो लॉ एंड ऑर्डर डेपुटेशन है वो इस हिसाब से है कि हमारे जितने भी क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उन सभी पे पैरामिलिट्री दिया गया है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनियुक्ति की है, वेबकास्टिंग की भी की जा रही है, वीडियोग्राफर्स भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और हमें आशा है कि बहुत ही सुगम और सहज तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में हम लोग सफल रहेंगे। पुलिस ने असामाजिक तत्वों और चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। इसके लिए कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। जितने भी हमारे क्रिटिकल बूथ हैं सभी सीएपीएफ से कवर्ड हैं। इसके अलावा हमारे जिले के चारों तरफ से 35 चेकपोस्ट नाकाबंदी की हुई है। सभी पर फोर्स है। बाहर से कोई भी अवांछित तत्व हमारे क्षेत्र में नहीं प्रवेश करेगा। जो हमारे दियारा इलाके हैं उसमें रिवेराइन पेट्रोलिंग 2 बोट से जारी है। यहाँ स्पेशल पोलिंग पार्टी के जरिए ईवीएम और चुनाव सामग्री मतदान केंद्र तक पहुँचाई जा रही है। सारा सामान ईवीएम मशीन और सारा पेपर सील सब लेकर के बिहारीगंज मतदान के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग मशीन के पीठासीन पदाधिकारी को दे देंगे और ताकि अगले दिन 23 तारीख को मतदान सुचारू रूप से चल सके। हम यहाँ पे मशीन लेने के लिए आए हैं, अपना ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन का सब नंबर चेक कर रहे हैं। सब नंबर हम अपना जो 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 हमको पेपर मिला हुआ है उससे हम सारा मशीन का जो डिब्बा है सब मशीन का डिब्बा को चेक करेंगे। मिथिला और कोसी अंचल की ये 5 सीटें सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर समान हैं। चुनाव प्रचार के बाद अब सबकी नजर यहां होने वाले मतदान और मतदाताओं के मिजाज पर होगी। मधेपुरा सहित तीसरे फेज का चुनाव जेडीयू बीजेपी कंबाइन और महागठबंधन के लिए काफी अहम है। यह संवेदनशील इलाका है, इसलिए पुलिस और प्रशासन खास तौर पे यहां सावधानी बरत रही है और इसीलिए यहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टियों के साथ ईवीएम मशीन नहीं भेजी जा रही है, बल्कि बाद में पेट्रोलिंग पार्टी यहां ईवीएम मशीन लेकर जा रही है और वहां ईवीएम वो सौंपेगी और उसके बाद कल चुनाव कराने के बाद वही पेट्रोलिंग पार्टी वापस जमा करेगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ मधेपुरा से अखिलेश सुमन। और इधर लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 4th चरण में महाराष्ट्र में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिंडोरी और नंदुरबार में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल रहे। प्रधानमंत्री ने नंदुरबार में कहा कि कांग्रेस और एनसीपी राज्य में किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इथेनॉल बनाने की इस बात को यहां बड़े बड़े किसान नेता एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे। कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाही नहीं की। उन्हें इस बारे में पता था, पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई टेक्निक भी लाकर दें। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला
कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी एक रैली की। रायबरेली के प्रसादपुर में उन्होंने देश के युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करता हूं 22 लाख नौकरियों को मैं एक साल के अंदर भर के आपको दिलवा दूंगा। अब हनी रुकूंगा, ठहर जाओ, ये शुरुआत है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी। और जो हमारी जो पुरानी मनरेगा की योजना थी, पहले 100 दिन देते थे ना, अब 150 दिन देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्र को लेकर दाखिल की गई आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। राहुल गांधी के वकील केसी कौशिक ने सभी आरोपों का जवाब दिया, जिसके आधार पर अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर ने आपत्तियों को खारिज करते हुए नामांकन वैध करार दिया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा जूते बंटवाने की बात को प्रियंका गांधी ने अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये अमेठी की जनता का अपमान है। कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे, जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने, ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही है। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। हम लोग कह रहे हैं अमेठी की जनता ने कभी से कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। दूसरी ओर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रियंका खुद जाकर लोगों की हालत देख लें, अमेठी के लापता सांसद को जनता चुनाव में सबक सिखा देगी। तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म या मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना थाम चुकी है, ठान चुके हैं। दिल्ली की बात करते हैं। छठे चरण के तहत दिल्ली में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब राजधानी में चुनावी माहौल में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी की ओर से 7 में से 4 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, उनमें से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समेत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने चांदनी चौक लोकसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उनका मुकाबला इस सीट पर कांग्रेस के जीपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता से होगा। हर्षवर्धन ने जहां 2014 की जीत को दोहराने का दावा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। दिल्ली की 7 सीटों पर इंक्लूडिंग मेरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी और चांदनी चौक में जितने मार्जिन से मैंने पिछली बार जीत हासिल की थी उससे बहुत बेहतर मार्जिन से इस बार जीत हासिल हो। कोई चुनौती नहीं है, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूं और इसी माशरे में हम बड़े पले, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र हमारे साथ बिताया और यहीं से हमने अपनी आवाज़ उठानी सीखी। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को, झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को एक मौका ऐसा भी देगी कि वो संसद में जाके पूर्ण राज्य की वो लड़ाई लड़ सकें। नॉर्थ ईस्ट सीट से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और नॉर्थ वेस्ट सीट से प्रवेश वर्मा ने सोमवार को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाने पर निराशा जता रही है। अगर ये गठबंधन हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में, दिल्ली में, सब जगह एक साथ होता तो, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है और कहीं ना कहीं अब मन में शंका पैदा होती है कि इनका कोई अंदरूनी समझौता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना ही नहीं चाहती।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी लहर में सातों सीटें जीत कर आई थी, लेकिन 8 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनाव में पूरा बहुमत मिला था। इसी के चलते इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ त्रिकोणीय भी हो गया है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उनके चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन दिल्ली के व्यापारी और उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के लोगों का जो मत है वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा। प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने इलाहाबाद से योगेश शुक्ला, डुमरियागंज से चंद्रेश उपाध्याय और संत कबीर नगर से भालचंद यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप पर खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनावी जोश में ऐसा कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी प्रचार की गर्मजोशी में ये बयान दिया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वो अपने भाषण और बयान में कोर्ट के हवाले से कोई भी विचार, टिप्पणी या फाइंडिंग नहीं देंगे जब तक कि वो कोर्ट की तरफ से रिकॉर्ड में नहीं की गई हो। कोर्ट को दिए अपने हलफनामे के बाद अमेठी में आयोजित रैली में राहुल गांधी फिर राफेल मामले में सरकार पर आरोप लगाते नजर आए। सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बचेगा, राफेल मामले में इंक्वायरी होगी। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब के बाद राफेल मामले में फिर से राहुल गांधी के बयानबाजी पर एतराज जताया है। रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। मैंने ये आपके सामने रखने वाली थी मेरे पक्ष की बात कि वो हलफनामा में तो रिग्रेट, खेद व्यक्त कर दिया, मगर उसके बाद भी अगर वो रिपीट करेंगे तो मैंने मेरे पक्ष की बात रखना चाहती हूं, मगर लग रहा है कि वो रिपीट करना शुरू भी कर चुके हैं। इसीलिए मैं ये आपके सामने बोलना चाहती हूं, कल ऑफ कोर्स कोर्ट उसको हियरिंग में लेंगे, अभी भी वो सब जूडिस मैटर है। फिर भी मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए और टू एस्केप द रात ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के विषय में गुस्सा सुप्रीम कोर्ट व्यक्त करने से पहले शायद कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट ले लिया। ही इज जस्ट टेकन अ पॉलिटिकली कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट टू से आई रिग्रेट इट। राफेल मामले में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर अवमानना याचिका लगाई है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए उच्च शिक्षा को सस्ती सुलभ बनाने पर जोर दिया है। बेंगलोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को वैश्विक मानकों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना समय की जरूरत है। उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार और बदलाव कर उसे रोजगार के लिए कौशल से लैस करने की बात कही। Education is for empowerment of an individual and finally education of course is also for employment. So we should keep in mind and that the students are well educated, well informed and their knowledge is also enhanced. They are vested with the power that today's students, the system of higher education must prepare the youth to be competent enough to serve the current techno capitalist world system would promote scientific temper and create a congenial ambience for scientific research. It is also important to patent our indigenous knowledge and medicine, and the children also must be taught our history. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल के समय में श्रीलंका सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है।
उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व समुदाय से दुनिया से आतंकवाद के संकट को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू करने की अपील की। How long we should go on seeing such actions? 215 people being killed, and in a place like Colombo, a country which believes in Buddhist philosophy, on an important day, Easter day, Bangalore also earlier has witnessed, Mumbai has witnessed, Hyderabad has witnessed, every important city has been a casualty area. I hope this should be a final wake-up call for all the nations. These are acts are barbaric. The world has already witnessed too many such attacks. श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज आधी रात में पूरे देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति नियुक्त की है, जिसे 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। श्रीलंका सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के लिए स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात को जिम्मेदार ठहराया है। हमले में 7 आत्मघाती हमलावरों के शामिल होने की बात सामने आई है। ईस्टर संडे पर 8 सिलसिलेवार धमाकों ने श्रीलंका को दहला कर रख दिया। धमाकों में 290 लोगों की मौत हो चुकी है और 450 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 7 भारतीय समेत 33 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस हमले के बाद श्रीलंका से सटी समुद्री सीमा पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। श्रीलंका पुलिस ने देश भर में विस्फोटों के संबंध में 24 संदिग्धों को अब तक गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग श्रीलंकाई नागरिक हैं। इन लोगों के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्क की भी जांच की जा रही है। चीन यात्रा पर गए विदेश सचिव विजय गोखले ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से आज मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वुहान में हुई मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें जोर दिया गया कि दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश आपसी विश्वास को मजबूत करने और साझेदारी को गहरा करने के लिए चीनी पक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे और विभिन्न स्तरीय सहयोग को व्यापक तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यात्रा के दौरान मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के मामले में भी बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने मसूद अजहर की आतंकवादी गतिविधियों के सभी सबूत चीन के साथ साझा किए हैं। भारत आतंकवादी सरगना पर शिकंजा कसने के लिए सभी उपलब्ध रास्ते अपनाता रहेगा। चीन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के प्रस्ताव को कई बार वीटो कर चुका है। इधर ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने भारत समेत 8 देशों को ईरान से आगे भी तेल का आयात जारी रखने की रियायत खत्म करने जा रहा है और अमेरिका की ओर से दी गई रियायत मई के शुरुआत में खत्म हो रही है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान से तेल के 0 निर्यात के लिए ये रियायत नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे ईरान सरकार पर दबाव बढ़े और वो विनाशकारी कदम की ओर बढ़ने के बजाय बातचीत के लिए तैयार हो। अमेरिका ने परमाणु समझौते से हटने पर पिछले साल नवंबर में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। सरकार का कहना है कि वो अमेरिका के इस कदम का भारत के ऊर्जा जरूरत पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।